चलो फिर फ्रेंड्स, आप लोग हंसते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, छठ की हार्दिक शुभकामना। आज इस बार जो है मैं पहला बार छठ व्रत करूंगी, जो कि 4 दिन का होता है। एक दिन हम लोग का नहाई खाई है, दूसरा दिन खरना है और तीसरा दिन सांझ की अर्घ होता है। चौथा दिन जो है सुबह में अर्घ होगा, उसके बाद पारण होगा। तो इसमें हम लोग को हम बिहार का हैं और बिहार का ये सबसे बड़ा त्यौहार है छठ त्यौहार। जो है सभी लोग बड़ी शौक से, बड़ी खुशी, उत्साह, उमंग के साथ करते हैं सूर्य नारायण की, उसमें छठ माता की व्रत किया जाता है। और उसमें हम उनके लिए 2 लाइन गाएंगे, आप लोग मतलब हंसिएगा नहीं। चार पहर राती जल थल से बली, चार पहर राती जल थल से बली, सेवली चरण तोहार हे छठी मैया, दर्शन दे हो अपान हे छठी मैया, दर्शन दे हो अपान, मांग मांगू ते वही कौने फल मांगू, जो कुछ हृदय में समा हे छठी मैया, दर्शन दे हो अपान हे छठी मैया, अपना ला मांगिला अवधा सिंहरबा, जन्म जन्म कही बात है छठी मैया, दर्शन दे हो अपान। चार पहर राती जल थल से वली, चार पहर राती जल थल से वली, सेवली चरण तोहार हे छठी मैया, दर्शन दे हो अपान हे छठी मैया, दर्शन दे हो अपान। सभवा बैठन के ससुर मांगिला, सभवा बैठन के ससुर मांगिला, मचिया बैठन के रसास हे छठी मैया, दर्शन दे हो अपान हे छठी मैया, दर्शन दे हो अपान। चार पहर राती जल थल से वली, चार पहर राती जल थल से वली, सेवली चरण तोहार हे छठी मैया, दर्शन दे हो अपान हे छठी मैया, दर्शन दे हो अपान, मांग मांगू ते वही जौने फल मांगू, मांग मांगू ते वही जौने फल मांगू, जो तोड़ा हृदय में समाय हे छठी मैया, दर्शन दे हो अपान, जो कुछ हृदय में समाय हे छठी मैया, दर्शन दे हो अपान। मांग मांगू ते वही जौने फल मांगू, मांग मांगू ते वही जौने फल मांगू, जो तोड़ा हृदय में समा हे छठी मैया, दर्शन दे हो अपान हे छठी मैया। रुनकी बेटी मांगिला, रुनकी बेटी मांगिला, पढ़ल पंडित बदमान हे छठी मैया, दर्शन दे हो अपान हे छठी मैया, दर्शन दे हो अपान। चारो पहर राती जल थल से वली, चारो पहर राती जल थल से वली, सेवली चरण
बैठी मैया दर्शन दे हो अपान, हे छठी मैया दर्शन दे हो अपान। मांगू मांगू ते भाई जाने फल मांगू, मांगू मांगू ते भाई जाने फल मांगू, जो कुछ हृदय में समा, हे छठी मैया दर्शन दे हो अपान, हे छठी मैया दर्शन दे हो अपान। घोड़ावा चढ़न के सुंदर पुत्र मांगेला, घोड़ावा चढ़न के सुंदर पुत्र मांगेला, गोरवा लगना के पतो, हे छठी मैया दर्शन दे हो अपान, हे छठी मैया दर्शन दे हो अपान। तो दूध खोल गया है, अब इसमें हम चावल डालेंगे। ये आज खरना का भगवान का भोग लगेगा, बड़ी श्रद्धा से छठ माता के लिए हम लोग बना रहे हैं, शाम में उनको भोग लगाएंगे। तो खरना के लिए भगवान की भोग बन रही है, प्रसाद बन रही है, जिसमें कि हमने चावल दूध में डाला, खीर बना रहे हैं। अब हो गया है हमारा, खीर तैयार है, सीज गया है। उसके बाद हम इसमें गुड़ डालेंगे, गुड़ डाल के तो भगवान की प्रसाद तैयार हो जाएगी। उसके बाद हम जो है फिर आटा का रोटी बातें बनाएंगे। छठ में हम लोग पहला बार हम कर रहे हैं, और आज के दिन भगवान के यही भोग लगेगा, और हम लोग को भी यही प्रसाद सबको लेना होगा फिर बाद में। तो छठ का ये पावन व्रत हम लोग का शुरू हो गया। कल था नहाए खाए, आज हमने खरना किया हुआ है। खरना में पूरा दिन हम लोग फास्टिंग करेंगे, शाम में भगवान की भोग लगे थोड़ा कुछ खाएंगे। पहले उसमें हम दिखाएंगे कि भगवान के खीर और रोटी चढ़ाते हैं, वही पूरा प्रसाद उनकी भोग लगेगी, फिर थोड़ा सा हम लोग प्रसाद सब खाएंगे, हम भी थोड़ा खाएंगे। फिर उसके बाद जो है कल शाम में 5 बजे या 4:30 बजे वो जो है अर्घ देंगे, फर्स्ट अर्घ, जिसमें हम लोग को फिर अभी जो खाएंगे उसके बाद फिर 36 से 38 घंटा तक इस व्रत में उपवास रहना पड़ता है। न पानी पीना है, न खाना, कुछ नहीं, बस भगवान के ध्यान धरना है। इसमें सूर्य भगवान के छठी माई का पूजा किया जाता है, और सूर्य भगवान जो है विष्णु के रूप हैं, तो हम विष्णु भगवान का ही इसमें पूजा करते हैं, जिससे सबके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमात्मा सबका स्वस्थ रखें, सबकी मनोकामना पूर्ण हो, सबके बच्चे अच्छे हों, मतलब यही सब कामना परमात्मा से हम लोग करेंगे। और आज इस बार हम बहुत खुश हैं कि मैं फर्स्ट बार कर रही हूँ, और आप लोगों के साथ हमें कुछ बांटने में जैसे तैसे करूँगी, आता है नहीं, मैं अपना बहन से फ़ोन लगा के पूछती हूँ कि बगल में एक भाभी हैं, वो हमें बताते रहती हैं कि इस तरीका से करो, तो हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो उन लोग के सहारा लेके कर रही हूँ फिर अगले बार से। और बड़ा खुशी हुआ कि व्रत दिखलाने का मौका आप लोगों को मिला, जो जो देख रहे होंगे सबको पुण्य जाएगा, परमात्मा सबको अच्छा करेंगे। ये हम लोग का बहुत बड़ा त्यौहार है, कई जगहों में मनाते हैं, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और हम जब व्रत करेंगे तो व्रत में हमें आँचल सिर पर रखना होता है, क्योंकि जब हम आँचल सिर पे नहीं रखते हैं तो हमारा पुण्य जो है बिखर जाता है, हमें नहीं मिलता। तो हम पूरा व्रत में ही हमारा सिर पे ही आँचल रख के हम जितना अभी हल्का दिखाएंगे, हल्का हल्का मैं दिखाऊंगी, व्रत की हूँ, थोड़ा सा आवाज़ भी कम निकल रहा है, लेकिन बहुत मुझे खुशी हो रहा है कि आप लोग के साथ शेयर करने का मुझे मौका मिला। दो सूप है, इसलिए हम दो जगह खरना का प्रसाद भगवान का निकाले हुए हैं। उसके बाद गौ माता का निकलता है, वो भी लक्ष्मी के रूप हैं, उनका भी निकाला था। उसके बाद आस माता का हम निकाले हैं। उसके बाद बच्चे लोग प्रसाद खाए, सब लोग घर में प्रसाद खा लिए हैं,
उसके लेकिन मेरा थोड़ा सा उस समय जो है शाम में तबीयत बिगड़ गया था, क्योंकि 24 घंटा के बाद हम यहाँ प्रसाद खाए थे, तो मेरा थोड़ा तबीयत बिगड़ गया और घर में सारे लोग टेंशन में आ गए कि अब व्रत अभी 36 घंटा 38 घंटा फिर सहना था, तो वहाँ कैसे पार लगेगा। लेकिन उनकी कृपा से सब मेरा ठीक हुआ। फ्रेंड्स, हम लोग 4 बजे उठे हैं और 4 बजे उठने के बाद जो है यहाँ सफाई की है। आज शाम में अर्घ होगा और भगवान का भोग बनेगा। ये हम लोग का ठकुआ इसको बोलते हैं, खजरी भी बोलते हैं, जो अभी बनाएंगे वो दिखाएंगे भी कि हम लोग कैसे बनाते हैं। उसमें पहले नारियल, हम लोग नारियल काटें, फिर आटा लेंगे, गर्म करे पड़ता है, ये इसमें डाल रहा है, भगवान की भोग बन रहा है। नारियल दिए, अब इसमें चीनी डालेंगे, आइडिया से डालेंगे, मीठा होना चाहिए। आइडिया से दिए हैं, अब इसको मिक्स करना है। ना पहले मोहर ठीक से भैया तू वीडियो बना ले। गेलियै हो दीनानाथ तमोलिया दोकान, तपन मालावे गेलियै हो दीनानाथ तमोलिया दोकान। तमोलिया के बेटवा हो दीनानाथ दे है लुलुआ, दूर जाए दूर गे बा जिनकी दूर चली जा, कान देखी जैते हो दीनानाथ घर घूमिया। तो
सूर्य भगवान इज नॉट इवन विजिबल. कुसुम रंग साड़ी भीजे, कुसुम रंग साड़ी भीजे, साड़ी मोरा भीजा काका भीजे देहु, खुशी मोरा नहीं भीजे, खुशी मोरा नहीं भीजे, खुशी मोरा नहीं भीजे. यहाँ हमें पता ही नहीं था. मैं सुबह में सबसे पहले पहुँच गई थी. मैं 3 बजे घर से उठी थी और 5 बजे वहाँ घाट पे पहुँच के और वहाँ पे मैं जल में जाके खड़ा हो गई थी. पानी पूरा ठंडा था लेकिन घर और सब लोग टेंशन में थे कि फिर तबीयत ना ख़राब हो जाए, पर उनकी कृपा से मुझे यहाँ से इतना ताकत मिला कि फिर मैं अभी तक बहुत स्वस्थ महसूस कर रही हूँ. कभी तबीयत मेरा ख़राब कुछ भी परेशानी नहीं हुआ. सब लोग घर में जो नहीं तो जल में हम जब गए हैं तो हमें 2-3 बार सब बोले कि जल से निकल के अभी एक घंटा डेढ़ घंटा 2 घंटा लेट है भगवान के उगने में, लेकिन हमने जल से नहीं निकला था. मुझे पूर्ण विश्वास और उन पर ध्यान रखे हुए थे. आस्था का महापर्व है और ये भगवान को बहुत भगवान साक्षात हैं और सबको शक्ति देते हैं, सब पर कृपा प्रदान करते हैं. मैंने इस बार फर्स्ट टाइम करी थी और इतना ज़्यादा मैं देखी, मैं अपने आप में इतना अच्छा महसूस किया, इतना शक्ति महसूस किया. कोई छोटा छोटा फर्क करती थी तो मैं थोड़ा कमजोरी महसूस करती, पर इतना ताकत था कि मैं उस समय मतलब महसूस लग रहा था कि अभी अभी खाना खाई हूँ थोड़ा भी. मतलब उनकी महिमा छठ माता की अपरंपार है, इसीलिए सब प्यार से बोले छठ माता कीजिए. Yeah.
मास्क वाले लड़को वहां से लिया इनसे मांग के मम्मी को जरूरत नहीं है अपना अपना मास्क हटाए Thank you.
छठ माता का व्रत समाप्त करते हुए अब हम घर में प्रसाद वितरण कर रहे हैं। ये हमारा भतीजा भी आया है, इसको मैं प्रसाद खिला रही हूँ। बच्चा सुखी रहे, हंसते रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे और संसार में सभी बच्चा जहाँ ऊंचाई पे जाए सब खुश रहे। सभी इसी के साथ माता का व्रत, छठ माता का बहुत बड़ा त्योहार हम लोग बड़ी अच्छा से मनाए, बहुत अच्छा से पार लगा। लेकिन थोड़ा सा सूरज उगाने, हाँ वेदर मतलब ठीक नहीं था इसलिए दिखाई नहीं दिए थे, अब दिखाई दिए हैं, थोड़ा लेट में दिखाई दिए। तो ये बच्चा भी प्रसाद खाने के लिए आ गई है, प्रणाम कर रही है। और सुखी रहो और संसार के बच्चा भी सब सुखी रहे, यही मंगल कामना भगवान से प्रार्थना की हूँ। सब बच्चा खुशी रहे, ये भी खुशी रहे। हाँ ये और प्रसाद मांग रही है।